पे फैसला हो गया, उस पे फैसला हो गया है कि उसका विलय समाजवादी पार्टी में नहीं होगा। और दूसरा निर्णय ये हुआ कि बलराम सिंह जी को दोबारा मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। एक फैसला ये हुआ कि अभी एक पार्टी ने रथ बनाया है यात्रा करने के लिए मुख्यमंत्री के लिए, उसका नाम तय नहीं हो पाया था, आज नेताजी ने उसका नाम तय कर दिया है, समाजवादी विकास रथ। उस विकास रथ से मुख्यमंत्री शीघ्र ही सड़क मार्ग से पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। और चौथी बात ये कि पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पुनर्गठन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, उसके लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अधिकृत किया है कि उसका पुनर्गठन करें, और पुनर्गठन करने के तत्काल बाद हम पार्टी की एक मीटिंग राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जल्दी ही लखनऊ बुलाएंगे।